हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं सर? तो ये है कल रात का वीडियो। कल रात को हम जा रहे थे किसी फंक्शन में और वहाँ पे हम अटके हुए हैं ट्रैफिक जाम में। दिल्ली का ट्रैफिक मीन्स इट्स सो इरिटेटिंग ना, कहीं जाने का मन भी नहीं करता है। 30 मिनट्स हम लोग इसी रोड पे स्टक थे। बस एक मेरी फ्रेंड है, उसके बेटा हुआ है, उसी का फंक्शन था कल, तो बस वहीं जा रहे थे। ज़्यादा शूट नहीं किया है मैंने, तो बस ये पहुंच गए हैं हम। और ये आयुष पाव भाजी इंजॉय कर रहा है, नाइशा खड़ी हुई है, ये मेरे हाथ में प्लेट लगी हुई है मेरी फ्रेंड की बेटी की या नाइशा की। तो बस आज का ब्लॉग रहेगा छोटा, थोड़ा सा ये फंक्शन का, और जो कड़ी और पकोड़ों की रेसिपी थी, एयर फ्राइड पकौड़े और कड़ी, वो मैं आगे शेयर कर रही हूँ। तो इंजॉय कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं आपको आगे। ये हस्बैंड भी देखो, ये हमारा था। तो बस अब ये बना रहे हैं कड़ी। कड़ी के लिए लिया है मैंने छाछ, तो जितना आपको रिक्वायर्ड है छाछ, और एक कटोरी, छोटा कटोरी बेसन लिया है मैंने। इसमें मसाले डाल रही हूँ, हल्दी, मिर्च, रेड चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा सब्जी मसाला। आप कम ज़्यादा कुछ और मसाले ऐड करना चाहें तो कुछ, सबका कड़ी का मैंने स्पेशली देखा है कि सबका तरीका अलग होता है। सबकी कड़ी के कलर, लुक, टेक्सचर सब अलग अलग मिलेंगे आपको। तो बस ये लिए मैंने प्याज, लहसुन और मिर्च, इसको मैं चॉप कर दूँगी। कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया है। ये है मसाले जो मैं यूज़ करती हूँ, साबुत धनिया, हींग, लाल मिर्च, है ना, साबुत लाल मिर्च और आपका जीरा। बस उसमें जब वो भुन जाए आपको छाछ चलाते हुए मिलाना है, चलाते रहना है। बस ये ध्यान रखना है कि छाछ फट जाती है अदरवाइज, तो बस हमें कंटिन्यूसली स्टर करना है तब तक कि उसके ऊपर बबल्स ना आने लगे, ना उबाल ना आने लगे। तब तक कंटिन्यूसली चलाते रहना, छोड़िएगा नहीं। देखो ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो गया खुद ही ना, जैसे ही टेक्सचर गाढ़ा हुआ और देखो बॉईल आ रहा है, तो अब मैं छोड़ सकती हूँ। मैंने डाला थोड़ा सा कसूरी मेथी और बस कड़ी रेडी। कड़ी बहुत सिंपल चीज़ है, इंस्टेंट एंड सिंपल, कुछ नहीं करना है। मिक्स कीजिए, चलाइए बस। प्याज डालनी है तो डालिए, मत डालो तो सीधे भी आप चला सकते हैं। तो बस ये कड़ी रेडी है। देखो मेरी मम्मी कहती थी जितना चलाओगे उतनी अच्छी बनती है, तो अभी आपके ऊपर है। ये मैंने एयर फ्राई में पकौड़े बनाए थे, इनको मैं थोड़े से को पानी डाल के रख रही हूँ और इसको मैं कड़ी में यूज़ करूँगी, ठीक है, क्योंकि पानी में डालने से सॉफ्ट हो जाएंगे। गर्म पानी है, गर्म पानी में डाले हैं। अब देखते हैं हम, बस ये कड़ी रेडी है यहाँ पे। ये पकौड़े भी मैंने एयर फ्राई में कैसे बनाए हैं उसकी रेसिपी अभी आगे शेयर करते हैं। और ये हमारी यम्मी कड़ी रेडी है, सिंपल, क्विक, सीधी सी है। ये मैंने पकौड़े डाल दिए हैं और मेरे पास धनिया नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी से ही गार्निश किया है। अगर आप लोगों के पास हो तो आप धनिया ज़रूर डालिए और अच्छा लुक आएगा। आई होप, आशीष, आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और बाकी व्यूवर्स को भी मेरे, तो एंजॉय कीजिए। आयुष को दिए थे मैंने कड़ी चावल, हस्बैंड ने खाया था कड़ी रोटी। अब पकौड़ों के लिए जो हम नॉर्मल जो भी सब्जियाँ लेनी है, मैंने नॉर्मल ली थी क्योंकि हमने नॉर्मल पकोड़े खाए थे। यूजली कड़ी में हम खाली सिंपल पकोड़े या प्याज के बनाते हैं, बट मैंने ये क्योंकि खाने के लिए बनाए थे तो मैंने यही डाल दिया, इनसे भी टेस्ट अच्छा आता है। तो आपको जो भी सब्ज़ी लेनी है वो लेके उसमें बस नमक डाल दीजिए पहले, और नमक अच्छे से मिला लो ताकि पानी छोड़ दे, और फिर इसमें हम बेसन मिक्स करेंगे। मेन एयर फ्राई में मैटर करता है टेक्स्चर, ठीक है, तो हमें टेक्सचर बहुत फ्लोई नहीं बनाना होता है, बहुत गीला नहीं बनाना है, इतना बनाएंगे कि वो इजीली हम एयर फ्राई में रख पाएँ उसको, क्योंकि ऑयल तो है नहीं कि वो फ्राई हो जाएंंगे। तो बहुत ज़्यादा पतला बनाओगे तो स्टिकी, ठीक है। मैं डाल रही हूँ इसमें अजवाइन, हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च और हल्का सा चुटकी भर मैंने सब्जी मसाला डाला है। बस इसको मिक्स कीजिए और पानी से घोल बना लीजिए। सब्जी में मैंने लिया था प्याज, गोभी और मिर्च, बस हरी मिर्च, ठीक है। बेसन लीजिए अपने अकॉर्डिंगली, आप जितना भी चाहते हैं टेक्सचर गाढ़ा, बस टेक्सचर जो है हमें मीडियम रखना है, नॉट टू फ्लोई, नॉट टू हार्ड, ठीक है, बीच का देखना भी।
थोड़े गाढ़े के ही एयर फ्रायर में आप यूज़ कर सकते हैं, पतला होगा लिक्विडी होगा तो आप नहीं बना पाओगे। तो बस ये मिक्स कीजिए। मुझे बेसन थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने और ले लिया है, सब्जी ज़्यादा है बेसन कम, क्योंकि ये खाली कढ़ी के लिए नहीं बनाए थे मैंने, बार बार आई एम सेइंग, ये हमने वैसे भी इंस्टेंट टी स्नैक जैसे चाय के साथ पीने के लिए बनाए थे, खाने के लिए बनाए थे। अब देखिए एयर फ्रायर लिया है, एयर फ्रायर ऑलरेडी मैंने प्री हीट करने रख दिया था। एयर फ्रायर में बटर पेपर ज़रूर लगाइएगा, ठीक है, बटर पेपर या एल्यूमिनियम फॉइल भी यूज़ कर सकते हो। उसको ग्रीस कीजिए ऑयल से, थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए, तेल लगा दीजिए, और उस पर बस हमें इस बैटर को थोड़ा थोड़ा रख देना है। जब पकौड़े रखते हैं तेल में डालते हैं, उसकी जगह हमें इसमें रखना है। ऊपर से मैंने कोई ऑयल नहीं लगाया है, बस इस तरीके से रख के 10 मिनट्स के लिए मैंने 200 डिग्री पे रख दिए थे। विद इन 5 मिनट्स दे वेर रेडी। फिर उसको आपने साइड्स को चेंज करना होता है, वो अभी आगे देखिएगा। बस 10 मिनट्स के लिए ऑन कर दीजिए, ठीक है, मैंने रखा है। अब 10 देखो, मैं देखो 10 पे चलाया था, आप देखोगे 5 के पास आने वाली है, और फिर देखो पकौड़े रेडी है। बट ऊपर से अब हम इन्हें टर्न करेंगे, क्योंकि नीचे से एयर फ्रायर में चीज़ें नहीं बेक हो पाती हैं अच्छे से, तो इसको टर्न, इसीलिए हमने पेपर यूज़ किया, क्योंकि बेसन है तो वो थोड़ा स्टिक हो जाता है ना। तो बस आपने इस पेपर को निकालना है, और अब हम पकौड़े सीधे रखेंगे, अब हम बटर पेपर यूज़ नहीं करेंगे। देखो हल्का स्टिक होगा, नो इश्यू, चाकू से आप हटा लीजिए, हैंड से हटा लो, जैसे भी। पकौड़े हटा के ये देखो पास से दिखा भी रही हूँ, अच्छे बन गए थे। तो बस हल्का सा इस पर ऑयल डाल दीजिए, इस पर ऑयल ग्रीस कर दीजिए रखने के बाद, और फिर वापस 2-3 मिनट के लिए, यानी 10 मिनट्स में अच्छे से रेडी हो जाते हैं, बहुत जल्दी एयर फ्रायर में बन जाते हैं। बस एयर फ्रायर का जो एक लूप होल है वो यही है कि बहुत सारे लोगों के लिए आप नहीं बना सकते हो, 2 जनों के लिए सफिशेंट रहता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अदरवाइज ज़्यादा लोगों के लिए बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ऑयल लगाइए और वापस इसको बेक होने के लिए रख दीजिए 5 मिनट्स, और आपके पकौड़े रेडी हो जाएंगे। तो सुरभि, यहाँ पे मैंने आपकी भी जो रिक्वेस्ट थी वो पूरी कर दी है एयर फ्रायर पकौड़े की। होप आप ट्राई करेंगे, अगर जो भी मेरी रेसिपीज ट्राई करता है डू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम। ये देखिए ये हो गया है, रेडी हैं, ये है मेरे एयर फ्रायर पकौड़े। नीचे भी चला गया था एक, ठीक है, ये एयर फ्राइड है, और मैंने ऑयल तेल वाले भी बनाए थे बच्चों के लिए, दोनों को कंपेयर करके दिखाऊंगी। ये है मेरे एयर फ्राइड, और वो वहाँ पे ऑलरेडी तल के रखे हुए हैं। ये देखिए बस कलर थोड़ा सा अलग होता है। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय, यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं कल। लव यू ऑल।